डी स्टूडेंट्स वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे हम। 1.5 साइज में हमें निकालना है कम्प्लीमेंट। जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूनिवर्सल एक सेट दिया है और वो है 1 to 9 तक नेचुरल नंबर, और सेट ए है 1, 2, 3, 4, बी सेट है 2, 4, 6, 8 और सी सेट है 3, 4, 5, 6। हमें फाइंड आउट करना है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, हम ये क्या देखेंगे, हमारा फोकस जो रहेगा वो यूनिवर्सल सेट के ऊपर रहेगा और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 ही छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे, तो ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। जैसे यहाँ है 5, 6, 7, 8, 9। इसी वजह से बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, तो ये तो छोड़ देंगे 2, 4, 6, 8 और बाकी लिख देंगे, तो वो हमारे पास होता है 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास होगा बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। तो हमें हमारे पास पहले ए यूनियन सी होना चाहिए। तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी का यूनियन निकालेंगे हम। ए और सी का यूनियन निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी तो हो गया, अब ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस यूनिवर्सल सेट में छोड़ देंगे, तो हमारे पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 7, 8, 9। इसी से फोर्थ पार्ट में हमें करना है, ये निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए यूनियन बी निकालते हैं पहले। ए यूनियन बी हमारे पास जो ए और बी सेट गिवन है इनका यूनियन निकालेंगे, तो इनका यूनियन क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। अब इसका ए यूनियन बी हमारे पास आ गया, कम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट जो दिया है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो ए बी सी सभी एलिमेंट्स हैं उनका ये कलेक्शन है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 छोड़ देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो आ जाएगा 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारे पास 9। ये आ गया इसका कम्प्लीमेंट 5 और 9। अब निकालना है फिफ्थ पार्ट में ए कम्प्लीमेंट एंड इट्स कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमने ये निकाला था, तो ए कम्प्लीमेंट, इसका कम्प्लीमेंट और निकाल ले हम, इसका कम्प्लीमेंट फिर कर दें, तो 5, 6, 7, 8 छोड़ देंगे इसमें से, 5, 6, 7, 8 तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए हुआ। तो ये हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी भी है। अब है बी माइनस सी का कम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी क्या है, बी में से सी के जो एलिमेंट्स है वो माइनस कर देने हैं, तो बी हमारे पास क्या है, 2, 6 एंड 8। जैसे इसमें 6 है तो इसमें 6 है तो ये 6 छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या आएगा, 2, 8, 2 और 8 आएगा, 4 और 6 ये छोड़ दें इसके, तो ये हमारे पास आ गया। अब बी माइनस सी का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 और 8 यूनिवर्सल सेट में से छोड़ेंगे, 2 और 8 बाकी लिख देंगे, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। तो ये आ गया बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस एक्सरसाइज में सभी में कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है जिस सेट से, तो वो सेट के कॉम्प्लीमेंट नहीं आएंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमें फर्स्ट पार्ट जो निकालना है, ए दिया हमें ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए बी सी छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे डी ई एफ जी और एच। तो कॉम्प्लीमेंट में हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी आएंगे यूनिवर्सल सेट में से। जैसे ये है बी डी ई एफ जी,
तो डी ई एफ जी नहीं आएगा, बाकी आएंगे इसमें तो ए बी सी, और इसमें आ जाएगा फिर एच, ये एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे इसमें नेक्स्ट है सी, ए सी ई जी, ए नहीं आएगा तो बी आएगा, सी नहीं आएगा फिर आ जाएगा डी, ई नहीं आएगा इसमें फिर आ जाएगा एफ, जी नहीं आएगा फिर आ जाएगा एच। तो इसमें से हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे डी है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, तो इसमें ए भी नहीं आएगा तो बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, एफ जी एच नहीं आएंगे, तो ये इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब इसमें कहता है इसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, इवन भी होते हैं ओड भी होते हैं। तो अगर x एज एन इवन नेचुरल नंबर हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओड आ जाएगा। अगर हमें इवन दिया है तो x इज एन, इसका आंसर आ जाएगा ओड नेचुरल नंबर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर ओड दिया है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल इवन आ जाएंगे इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्योंकि ओड तो आएंगे नहीं, अब इसमें आ जाएंगे इवन, इवन आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के पॉजिटिव मल्टीपल। तो थ्री के पॉजिटिव मल्टीपल क्या होते हैं शुरू में, वो नहीं आएंगे, जैसे और आ गए एक दो तीन नहीं आएगा, फिर चार, फिर पांच छह नहीं आएगा, फिर सात आठ नौ नहीं आएगा, फिर दस ग्यारह बारह नहीं आएगा, फिर तेरह, इस वे से आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे इसके पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री का कम्प्लीमेंट। यानी तीन का जो टेबल होती है वो नहीं आएगी, बाकी इसमें आ जाएंगे सभी। नेक्स्ट इसमें है एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्याएं, जैसे फिर इसमें कम्प्लीमेंट में आ जाएगी वन, टू प्राइम नंबर है, फिर आ जाएगा थ्री प्राइम नंबर है, फाइव है, सिक्स आ जाएगा, सेवन प्राइम नंबर है, फिर एट आ जाएगा, फिर नाइन आ जाएगा, टेन, इलेवन प्राइम नंबर है वो छोड़ देंगे, फिर ट्वेल्व आ जाएगा, इस वे से हमारे पास इसमें यानी प्राइम नंबर छोड़ देने हैं, बाकी लिख देने हैं, तो वो इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कम्प्लीमेंट, एक ये कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट और ये कम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट इसमें कहता है x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव, तीन और पांच से डिविजिबल नेचुरल नंबर वो छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वन टू थ्री छोड़ देंगे, फोर फाइव छोड़ देंगे, थ्री और फाइव से, थ्री और फाइव दोनों से होने चाहिए, तो सेवन, फिर एट, नाइन छोड़ देंगे, टेन, इलेवन, इलेवन सिक्स पार्ट में, तो इसमें एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख देंगे। एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं, एक, जैसे एक का स्क्वेयर एक, दो का स्क्वेयर चार, तो वो परफेक्ट स्क्वेयर हमारे पास वो नहीं आएंगे, तो ये जैसे मैंने दो आ जाएगा, फिर चार नहीं आएगा, तीन भी आ जाएगा, चार नहीं आएगा, पांच आ जाएगा, छह आ जाएगा, सात आ जाएगा, आठ आ जाएगा, नौ नहीं आएगा, इस वजह से इसमें परफेक्ट स्क्वेयर छोड़ देने, एक चार फिर नौ, इस वजह से वो छोड़ देने हैं, बाकी इसके क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। आगे है एक्स इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब छोड़ देने हैं, जैसे एक नहीं आएगा तो दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार पांच छ सात, तीन का क्यूब सत्ताईस, तीन का क्यूब सत्ताईस आएगा, तो इस वजह से हमें इसमें लिख देने हैं, तो क्यूब्स हैं वो नहीं आएंगे। आगे है एक्स प्लस फाइव क्यूब में एट, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हमारे पास किया जाएगा एक्स इक्वल में थ्री आ जाएगा, क्योंकि वहां जाएगा फाइव, तो थ्री छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे कम्प्लीमेंट में, तो वन टू फोर एंड सो ऑन, ये कम्प्लीमेंट हो जाएगा।
इसी वजह से यहाँ सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इक्वल में 4 हो जाएगा और x इक्वल में क्या आएगा 2, तो 2 छोड़ देंगे तो बाकी लिख देंगे 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी वजह से इसको 7 और 7 से बड़े छोड़ देंगे तो क्या जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू है। तो 7 और 7 से बड़े 11th पार्ट में इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम पहले, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो 2x ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा 9 और x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4.5, यानी 4.5 से बड़े तो उसे छोटे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, क्या आ जाएगा 1, 2, 3 और 4 तक आएंगे, तो ये हमारे पास इसे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में तो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट छोड़ दें बाकी लिख देंगे, सिंपल सी इसमें ये होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए और बी दो सेट हैं, हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी पहले, ए यूनियन बी हमारे पास इन दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों सेट के एलिमेंट हम ऐड कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये आ गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट में छोड़ देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1 इसमें आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए पहले, तो राइट हैंड साइड उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 1, 3 और 5, 7, 9 क्योंकि ये सभी एलिमेंट छोड़ देने हैं। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये बी वाले छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो 1 इसमें आएगा, फिर 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8 और 9। अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड में कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन क्या आता है 1 एक तो और एक आता है 9, तो ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में इसी वजह से है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए सेट जो है और बी सेट इनमें दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, तो 2 आएगा और क्या जाएगा 4, 6, 8 इसमें नहीं है तो ये 2 ही आएगा बस। इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं मगर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 छोड़ देंगे इस यूनिवर्सल सेट में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ गया, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए हमने ये निकाला है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इनका हमें निकालना है यूनियन राइट हैंड साइड में, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इसका यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमें दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को यूनियन में क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये हमारे पास आ गया इसका, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो इनको भी वेरीफाई करना, तो इस वजह से आप इसकी वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है, ए यूनियन बी
हमारे पास क्या है, अगर इसको हम सर्कल से ड्रा करें तो ये ए और ये बी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ए और बी का यूनियन होता है, ठीक है ये हो गया। लेकिन ये कहता है इसका कम्प्लीमेंट, इसका कम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये जगह खाली हो जाएगी जो कॉमन है, ये कॉमन ए और बी की जो ये कॉमन है ये खाली रहेगी, बाकी सारा इसमें डार्क कर देंगे। इसी वजह से ये है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन निकालें, तो ये यही सेम हो जाएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बस, इसी यही यही सेम होगा इसमें। तो वेन डायग्राम में कोई खास नहीं होता है,